मौज कल दी मौज रूप आएगा निखर के क्या? अब इनका ब्रश देखो स्पेशल है, इतने बाल काट दोगे? कुछ हो रहा, देखो खुशी की लहर, देखो ये लो देखो। हाय टू फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होगे। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, अभी एक बार फिर से दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने नहा लिया है, तैयार हो चुकी हूँ। आज दिन भर में बहुत सारे काम करने हैं जो आपको आज के ब्लॉग में दिखाई देंगे, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। इसी चक्कर में सुबह 5 बजे उठ गई थी मैं और मैंने ब्लॉग वगैरह एडिट कर लिया है। रात जो आपके कमेंट्स आए थे उनके रिप्लाई भी कर दिए सुबह सुबह उठ के। आप में से कुछ लोगों ने नोटिस भी किए होंगे, उनको नोटिफिकेशन गई होगी रिप्लाई की। तो ये सब कुछ फिलहाल हुआ है और मम्मी माथा टेक के मंदिर से घर वापस आ गए हैं और घर आते ही ये लग गए हैं साग के जुगाड़ में। कल रात पापा साग लेकर आए थे तो पापा ने, मम्मी ने और मैंने, हम तीनों ने मिलकर साग साफ किया था, पालक साफ किया था, धो धा के रख दिया था। तो अभी काट के मम्मी उसको चढ़ा रहे हैं चूल्हे पे। तो चलो चलते हैं बाहर मम्मी के पास। गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हो रहा है? पापा साग रखे, साग खाना मंदिर से आके पहले मैंने यही किया। वेरी गुड, पहले इसको काटिया, काट के उस बाद इधर पर काटी गई डाली गई। काफी धानों जाता था, तो इतना घट गया, पहले तो जुगा ही नहीं। हाँ, यही होता है, जैसे आपका सेक लगता कम होता रहता है। हाँ, फिर इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्च मिर्ची पा दी। अच्छा, ऊपर से डाल दिया। अभी पाए, अभी पानी रखा है। अच्छा, अब पानी गर्म, जब जितना पानी घटी जाएगा पानी डाली जाऊंगी, गर्म पानी। अच्छा, काटल रखी हुई है। हाँ, मक्की के आटे में यहाँ पर गर्मा गर्म पानी मिलाया गया है। अभी इसका एक घोल टाइप सा तैयार किया जा रहा है ताकि गांठे ना बने। घोल के मक्की का आटा डाला जा रहा है सरसों के साग में। वैसे मैंने ये तरीका पहली बार देखा मम्मी का, नहीं तो हम लोग ऐसे ही घोलते हैं इसको हमेशा ही। ये फर्स्ट टाइम है कि ऐसे किया जा रहा है। सरसों दा साग बनाई जाने ओ, ठंड बहुत है मुच पानी भी ले आई जाने ओ। आचा कहते मम्मा मौज कल दी मौज, मौज कल दी मौज मम्मा मौज। रण खेतारा डोला गम गमा गम बजेंगे। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। गुड मॉर्निंग पिताजी। पिताजी अपने आप में मसरूफ, मिट्टी ढूंढने में। यहाँ पर भी पिताजी ने लहसुन छीला है, लहसुन छीला है, भिगा के मम्मी ने रखा हुआ था। सुबह के 11:30 बजे यहाँ पर अभी मम्मी अपने मेरे लिए रोटी बना रही है। पापा ने और भाई ने रोटी खा ली है और यहाँ पे साग को तड़का लगाने की तैयारी मैंने कर ली है। लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्ची है, प्याज है। तो अब इसको तड़का लगाने लगी हूँ मैं और यहाँ पर दूध भी उबल चुका है। तड़का हो चुका है हमारा तैयार, अभी थोड़े से साग को तड़कने लगे हैं हम। ये रहा हमारा साग, गर्मा गर्म सरसों का साग तैयार है अभी खाने के लिए। माँ के हाथ की रोटी बस जन्नत ही है भाई साहब। यहाँ पर ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ किया जा रहा है। टेस्ट कैसा रहा मम्मी? स्वाद है, स्वाद है। अब इतनी मेहनत की है यार, अभी भी स्वाद ना हो तो फिर क्या ही फायदा। नहीं, सुबह से बस हो रही है। पिताजी जा रहे हैं आज स्कूटी की सर्विस करवाने के लिए। ओके भैया, भैया ध्यान से दिया जाइया, जल्दी से वापिस आ जाइया। मम्मी और मैं जा रहे हैं अभी पार्लर की तरफ। मम्मी के बाल कल काले काले किए थे, देखो मम्मी कितनी परम सुंदरी बन चुकी हैं। मेरे बाल अभी तक नहीं सूखे यार, बिल्कुल भी धूप नहीं है। चलो चलिए आप भी हमारे साथ। ये देखिए काम चल रहा है अभी भी यहाँ पे। बेस्ट पार्ट ये वाला है बस, अब जो शेप आएगी वो देखना खतरनाक। अब मम्मी पहचान में ही नहीं आने वाली, अब जो रूप आएगा निखर के। आ जा कहीं थे
दोनों आंखों में कितना फर्क आ गया। मूड तो मेरा ऐसे फेशियल करवाने का भी था, लेकिन जो लड़की यहाँ पे काम करती है सिमरन वो यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन मुझे उसी से काम करवाना ज़्यादा अच्छा लगता है। वो जब आएगी तो दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। इनके हाथ का काम हमें पसंद नहीं आता। बस सिमरन जल्दी से वापस आ जा भाई, इधर से फेशियल करवाना है मैंने, ठीक है? ब्लॉग देख रही है, जल्दी से वापस आ जा। यार मम्मा, यार मूछे खुमानी बहुत मुश्किल है, सर्दी में ज्यादा दर्द होता है। दस्ताने पड़े थे वैसे हाल ही पड़ दिए कल। दस्ताने, अब मम्मी बता रहे हैं कल तूने बालों में रंग लगाया, ऐसी हाथ खराब किए, दस्ताने पड़े थे वो यूज नहीं किया, पार्लर में आके याद आ रहा है इनको, देखो। एक जोड़े ऐसी माँ भी महान लोगों को मिलती है। मैं हूँ महान। बिंदी लगा लो मम्मी, बिना बिंदी के फेस कितना अजीब लगता तुम्हारा। बैठे बैठे भी ऐसी प्लान बन गया, मम्मी कह रहे करवा ले फेशियल, आई है तो बार बार कहाँ आया जाता है, तो भी मैं फेशियल करवाने लग गई। मम्मी को बोल रही हूँ आप करवा लो, मना कर रहे, कह रहे मैं नहीं करवा ला। ना मैं घर ही करवाऊंगी, घर करवाऊंगी, बस एक और ट्यूब सी पकड़ी हुई है तो बस वही लगाऊंगी, मैं तो उसी में खुश हूँ। अरे उसी के लिए है वो, जैसे ब्याह शादी में जा रहे हैं। बिल्कुल बात नहीं मानते मम्मी आप मेरी, आप मेरी मम्मी नहीं हो ना, कूड़े से उठाया मुझे, ग्रीस सही कहता है ना, आप मुझे कूड़े से उठाया ना। अपने पापा से पूछना, दो कूड़े एक कूड़ी, ये सबसे छोटी, सबसे छोटी करवा लो मम्मा, करवा लो। ती दही रोब हुंदा मां ते, किते नहीं रोब जलदा मेरा, सुनदे ही नहीं। अच्छा आप दी मन मर्जी कर रहे, देखो हाले खा जाती है, मैं कही जा रही, मेरी मन दे ही नहीं। मैंने नहीं करना बेटा, मैं सच्ची कह रही। अभी मेरे फेस पे लिपा पोती करनी शुरू हो गई है। क्या लगाया जा रहा है मेरे फेस पे? ब्लीच। ब्लीच, ये जैसा कलर ब्लीच का है ना, ऐसा कलर मेरी स्किन का होने वाला भी थोड़ी देर में। ये मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे पेंट नहीं करते हैं। ये आपने ब्रश भी पेंट वाला सही रखा। मैंने ना व्लॉग बनाना भी बंद कर दिया था, ये कह रहे मैंने ब्रश चेंज किया है और अब आपने वीडियो बनानी बंद कर दी, अब इनका ब्रश देखो स्पेशल। पुट्टी वाला ब्रश बता देते आप। सही कहा मैंने, कहा पुट्टी और ये पेंट होगा, इन्होंने बाद दिल पे लेनी, ब्रश ही चेंज कर दिया। बड़ी मुश्किल से मम्मी को यहाँ पे बनाया गया है और हॉट सीट पे बिठाया गया है। अभी माता श्री के फेस पे ब्लीच लगाई जा रही है। मम्मी से मैंने पूछा रीजन क्या है, तो कह रही है मेरे को ठंड लग रही है, मेरा मन नहीं है कपड़े उतारने का, मैं नहीं चेंज करूंगी, मैं ऐसे ही करवाऊंगी, बस यही होगा ना, फिर जैकेट भी नहीं उतारा और तो छोड़ो, नहीं जैकेट भी सफेद हो जाएगी, अब काली जैकेट ना, इसका ब्लीच लग गई इस पे, अभी सफेद हो जाएगी। व्हाइट व्हाइट भूत बन गए हैं हम, कैसा लग रहा है व्हाइट भूत बन के? बहुत अच्छा। बैग पे तो आपके कंधे पे नहीं लगेगा, कंधे पे नहीं लगवाया मम्मी ने, सिर्फ फेस फेस पे लगवाया, गर्दन पे लगवाया, फिर भी जैकेट तो खराब होएगी, लिपेट तो लिया आपने। अभी इनसे ही साफ कराऊंगी। ज्यादा हंसना नहीं है, ज्यादा बोलना नहीं है। कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं मम्मी, ये शीशे में देख देख के अपने आप को देखना कैसे खुश हो रही है। ओए होए 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 उसे बोले तो सही कर, ये सूख रहा है मम्मी, ऐसे सूखेगा, थियरिंग गलत हो गया। मम्मी कह रहे हैं गलत हो गया, देखो इनका मुंह देखो, मम्मी कह रहे हैं मेरे गलत हो गया, नहीं हुआ। फिर से मम्मी की लिपा पोती की जा रही है क्योंकि मम्मी सेटिस्फाइड नहीं है। मम्मी का कहना है कि मेरे गलत कर दिया गया है, अब सही है, अब ठीक है। हाँ मेरा ब्लीच तो हो चुका है कंप्लीट, अभी उस तरह है। सच में स्किन में देखिए फर्क दिखाई दे रहा होगा आपको, इतने इतने पोर्शन में ब्लीच किया गया, आंखें देखो कितनी काली काली लग रही है ना, आसपास का एरिया कितना गोरा गोरा सा लग रहा है, ब्लीच करने से इतना फर्क पड़ जाता है। मम्मी जैकेट लपेटती घूम रही है अपनी, मैंने कहा था जैकेट तो उतार दो, एटलीस्ट मानती नहीं है ये यार, बात नहीं सुनती है ना ये मेरी, मैं खोल दी, ये तो मेरा गाबा होगा, जैकेट तो उतार दो, नीचे नहीं।
फाइनली मम्मी ने जैकेट उतारी बड़ी मुश्किल से। चलिए अब हम विराज जाते हैं अपनी सीट पे दोबारा। ये पानी तो गर्म है यार, ठीक लग रहा है, ठंडा तो नहीं लग रहा। नहीं नहीं वो अलग अलग हो रहा है ना, पहले कभी गर्म कभी ठंडा ऐसा जा रहा है। ये पानी तो सही है, ठंडा कभी तो गर्म आ रहा है कभी ऐसे नहीं होता। वो जब चला रहे ना, रोक के चलाएंगे उस टाइम थोड़ा सा ठंडा आएगा, फिर उसके बाद गर्म आएगा। पहले सफेद ब्लीच की गई है, अब ब्लू ब्लीच की जा रही है। ब्लीच ही ब्लीच मेरे फेस से उतर चुकी है और मम्मी के पीछे फर्स्ट ब्लीच उतर रही है अभी मम्मी का मुंह। परम सुंदरी का देखिए क्या हाल हो चुका है यहाँ पे। बेचारे के बुद्धे बुद्धे खिला रखे हैं आज। फेशियल हो चुका है और आके विराज गए हैं हम यहाँ पे, और मम्मी कह रहे हैं लगे हाथ थोड़ी कटिंग भी करवा ले, तो अभी थोड़ी कटिंग भी हो रही है। आज सारा तामझाम मतलब आज ही कर लेना, बस जितने पैसे वो आज हम लुटा देंगे, बस आज हम खाता जीरो करके जाएंगे अपना। खुश हो रहे, देखो खुशी की लहर, देखो फेस, देखो हाँ पैसा आएगा पैसा। मस्त है यार यहाँ पे ना माहौल, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं पार्लर में बैठी हूँ कहीं सैलून में बैठी हूँ, ऐसा लगता अपने घर में ही बैठी हूँ। मम्मी कटवा दूँ सारे बाल? हाँ झाड़ दे, गंजी कर दूँ? हाँ झाड़ दे। मम्मी के लिए शैम्पू का खर्चा बचेगा, सीरम का खर्चा बचेगा, कंडीशनर का बचेगा, है कटिंग तो सस्ती पड़ेगी उससे, है ना मम्मी? कितनी चीज चाहिए बालों में, ऊपर से बाल भी बिक जाएंगे। हाँ बाल भी बिक जाएंगे, ये भी सही बात है। ये देखो और खुश, बाल भी बेचूंगा। अब ये बाल पकड़े खड़े हैं मेरे, इतने बाल काट दो आंटी जी, इतने बाल काट दो, हैं इतने बाल काट दोगे, हैं इतने, खुद ही बिठाया जबरदस्ती, पहले कटिंग करवा ले करवा ले। अब कटिंग करवा रही हूँ तो अब इनके ऐसे प्राण निकल रहे हैं कि इतने काट दिए, इतने काट दिए। मुझे बिठा किस लिए रखा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बाल काट नहीं दे रही। कटिंग वैसे पीछे वाले कैमरे में भी दिख रही है, ये सही एंगल बैठ रहा है। शिवो शिवो एक बार ना इसके बहुत लंबे बाल भाई कमर से नहीं दिख रहा, ये कहती मेरे बाल कटा दो पहले मना कर रहे हैं। पापा कहते पापा ना भाइयों के बाल घर में काट देते थे लेकिन नहीं जाते थे उनको कटवाने के लिए, पकड़ेंगे तो उनको संडे वाले दोनों के बाल काट देंगे। फौजी कटिंग बिल्कुल छोटी वाली, वो कैसे करते थे उनको आती थी बाल काट? हाँ काट देते थे, फौजी कटिंग कर देते थे। तो मैंने कहा मेरी भी करो, तुम भाइयों के बाल काट रहे हो मेरी नहीं काट रहे। पापा कह रहे तेरी भी काट देता हूँ। बैठ गई उस समय तो बैठ गई कि हाँ भाइयों के काट रहे मेरी नहीं काट रहे, जिद में बैठ गई। इतने बाल पापा ने काट दिया, बिल्कुल ही काट दिया, इतने कर दिए मतलब बाल मेरे, और एक साइड बाल जैसे कटे मेरे नीचे गिरे, मैंने जोर रोना शुरू किया और उठ के भाग गई, पूरे मोहल्ले का चक्कर लगा लिया मैंने। उस समय क्वार्टर्स में रहते थे सेंटर जेल में, मैं मुझे नहीं कटवाना मुझे नहीं कटवाना, कह रहे अब एक साइड के बाल लेके कहाँ घूम रही है कटवा। फिर जबरदस्ती पकड़ के बाल काटे मेरे को मेरे सारे, और क्या वो दिन तो याद ही रहता है, मेरे हाईलाइट सारे उड़ गए। वैसे भी अच्छे नहीं, मम्मी ने ज्यादा बाल काटने ही नहीं दिए, हल्की हल्की सी कटिंग करवाई है, वो भी ड्रायर लग रहा है, उसके बाद बैक कैमरे से दिखा दूंगी आपको। यो देखो आरती के लाल बाल मैंने सारे उड़ा दिए, मेरे को ना ये बहुत बुरे लगते हैं। मैंने सब उड़ा दिए, देख लो मम्मी ने जान के मेरे हाईलाइट उड़वा दिए सारे, आज अभी तो बहुत बड़े हैं। यो देखो प्यारी हो रही ना कटिंग, अच्छी लग रही है? हाँ अच्छी लग रही है। ये ना जब यहाँ लेडी टेडी शादी होती है तो उसी दिन बना के जाते हैं ना,
आप क्या करोगे जिंदा या रहेंगे भी नहीं। लास्ट अगर आपके ध्यान में होगा तो जब भाभी की कैरेटिन करवाने के लिए हम आए थे उस समय भी हम लोगों ने कुलचा खाया था, भैया ने उस समय कुलचा बाटी दी थी और आज भी कुलचा बाटी दी है। मेरे हेयर कटिंग करवाने तक मम्मी ने तो कुलचा समाप्त भी कर लिया अपना और भैया का स्टाफ और मैं, अभी हम खाने लगे कुलचा। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने अभी तक कुलचा नहीं खाया, कमेंट भी आ रहे थे आप लोगों के, दीदी इस बार आपने कुलचा नहीं खाया तो यहाँ पे खाना नसीब में होगा, तो यहाँ कुलचा खा रही हूँ। घर की तरफ वापस जा रहे हैं अभी। आपको मम्मी के और मेरे फेस में कुछ लग रहा है फर्क तो बताना जरा, कि हम दोनों सुंदर सुंदर लग रहे हैं नहीं लग रहे? मम्मी लग रही होगी, मेरी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही है? क्यों? मम्मी ने फर्स्ट टाइम किया है, मम्मी बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो चलो अभी घर चलते। अभी स्कूटी ठीक होगी, पैसे बहुत, उसकी ब्रेके भूके भी नहीं लग रही थी ना। ब्रेक भी ना। अच्छा पापा, हमारे शक्लों में कुछ फर्क लग रहा है दोनों की? कुछ फर्क लग रहा है? हमारी शक्लें चमक रही है थोड़े, फेस हमारे चमक रहे हैं। तेरे तो चमके ना चमके, तेरी मम्मी का बहुत चमक रहा है। पापा का रिएक्शन तो देख लिया आपने। पापा का कहना है कि तेरे फेस पे चाहे कोई ग्लो है चाहे नहीं है, लेकिन मम्मी के फेस पे तो बहुत ग्लो दिखाई दे रहा है, जो की बहुत खुशी की बात है। किसी तरीके से पापा ने फाइनली तारीफ तो की मम्मी की। और अभी गिशी विलास सो रहा है, जैसे ही गिशी उठता है तो गिशी का रिव्यू भी लेंगे, उससे भी पूछेंगे कैसे लग रहे हैं हम। मुझे लग रहा है कि मेरा फेस पहले से काफी क्लीन लग रहा है, बाकी आप लोग बताना कमेंट्स करके। मैया तेरे भवन में आऊं कैसे, तेरा शेर खड़ा पहरे पे, तेरा शेर खड़ा पहरे पे, तेरा शेर खड़ा पहरे पे। मैया तेरे भवन में कैसे आऊं, तेरा शेर खड़ा पहरे पे। हम बड़ी दूर से आए और जल का लोटा लाए, हम बड़ी दूर से आए, हम जल का लोटा लाए। मैया तेरे चरण धुलाऊं कैसे, तेरा शेर खड़ा पहरे पे। मैया तेरे चरण धुलाऊं कैसे, तेरा शेर खड़ा पहरे पे। मैया तेरे भवन में कैसे आऊं, तेरा शेर खड़ा पहरे पे। यहाँ पर अभी हमारी पैकिंग शैकिंग चल रही है। माता श्री अपने कपड़े लेकर आ चुकी हैं उस कमरे से, मेरे कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे, चल रहा है तामझाम। और गिरीश भैया भी उठकर आ चुके हैं हमारे कमरे में। तो भैया तारीफ कीजिए जरा, हम कैसे लग रहे हैं? कैसे लग रहे हैं? जैसे सुबह लग रहे थे वैसे ही लग रहे हो। क्या चेंज है? हम पार्लर जाके आए हैं, कुछ तो चेंज लग रहा होगा, कुछ तो आपने नोटिस किया होगा। क्या किया? बाल कलर करवाया? बाल मेरे पहले से कलर है। ये चूड़ा भी ले जाना है ना? नहीं चूड़ा नहीं लेके जाना है वाला। और आईब्रो ही बचती है, आईब्रो नहीं करवाई? ये फेशियल करवाया है, आईब्रो करवाई है, हेयर कटिंग करवाई है। ब्रदर आप ऐसे बेइज्जती क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं पता। समझ नहीं आती इतने कपड़े आते कहाँ से हैं, फिर टेंशन ये कैसे लेके जाए इनको। तो गाइस शादी में जाने की फिलहाल हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। जैसे कि सुबह आपने गिरीश भैया का व्लॉग देख ही लिया होगा, किस तरीके से हमने पैकिंग की, कैसे हमने सामान रखा, क्या कुछ हमारा तांडव हुआ। ये नॉर्मल घर में, सभी के घर में ऐसे हालात ही होते हैं पैकिंग के समय पे, जो आपने सुबह व्लॉग में देखे होंगे। तो वही सब कुछ अभी हुआ, तो सामान पैक हो चुका है, धूपबत्ती जला ली है, साग बना हुआ है, बस रोटियां बनाएंगे उसके साथ खाना खाएंगे, ये सब कुछ है। कल जो मम्मी के हेयर में मैंने कलर किया और आज ये फेशियल किया, पैकिंग की और ये साग बनाना, मेनली यही पर्पज़ था कि साग बना देते हैं, पतीला भर के रख दिया, तड़का लगा लगा के खाते रहेंगे, रोटियां बनानी है वो बना लेंगे या बाहर से ले आएंगे, जैसे भी एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए घर वालों को भी। तो हमें भी थोड़ा बुरा सा लग रहा है कि ऐसे हमें जाना पड़ रहा है, मतलब सोचा ये था कि पूरा परिवार जाएंगे घर के, लेकिन अब ये ऐसे ही होना होगा। सिजुका का भी है थोड़ा सीन, बस ये लगा लो कि हालात ही कुछ ऐसे हो गए। फिर गिरीश के आने लग गया कि सेम ही टाइम पे सेम ही फंक्शन में दो दो लोग क्या दिखाएंगे, कि ये कुछ अलग हो जाएगा, मैं घर का दिखा लूंगा तू उधर का दिखा लेना। चलो ठीक है, जैसे भी हुआ। अभी एक सरप्राइज आपके लिए और है, वो आपको दिल्ली जाकर ही मिलेगा जब हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो आप लोग तब तक गैस करना कि किसकी शादी है, किसकी शादी में हम जा रहे हैं। वैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों को अंदाजा तो हो गया होगा किसकी शादी है, कमेंट करके बताना, जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगी। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक था। हमारी मस्ती आपको कैसी लगी और हमारी ब्यूटी पार्लर की रूटीन आपको कैसी लगी, जो हम आज गए हमने जो मस्ती काटी वहाँ पे, वो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। मम्मी आपको कैसा लगा पार्लर जाके? अच्छा लगा मम्मी का सच में यार फेस, मम्मी के फेस पे जो ग्लो आया ना उसकी क्या बात है। मम्मी का मुँह देखो अभी भी कितना चमक रहा है, मेरे फेस पे इतनी चमक नहीं जितनी चमक मम्मी के मुँह पे आई, क्योंकि मम्मी करवाते नहीं है ना।
तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अभी तक के जो व्लॉग्स थे आपने उनको बहुत प्यार दिया, अब आगे जो आने वाले व्लॉग हैं वो बहुत ही तबाही होने वाले हैं, तो कोई भी व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना और बढ़ चढ़ के ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, शेयर करना और बस प्यार बनाए रखना ही चाहते हैं। आइए मक्की दी रोटी होवे, घ्यो घ्यो पाया होवे, सारे आने खाया होवे।